दूर संचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और प्रसार भारती एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भारत में लागू करने की संभावनाएं खोज रहे हैं, जिससे मोबाइल पर बिना इंटरनेट कनेक्शन के मल्टीमीडिया सामग्री प्रसारित की जा सकती है, डायरेक्ट टू मोबाइल यानी कि D2M नामक ये तकनीक अगर देश में लागू होती है तो इसकी सहायता से मोबाइल यूजर्स बिना इंटरनेट डाटा के उपयोग किए भी वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री लाइव अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक को धरातल पर उतारने के लिए दूरसंचार विभाग DOT ने स्पेक्ट्रम बैंड का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। प्रसार भारती ने भी डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है। IndianExpress.com की एक रिपोर्ट के अनुसार ये तकनीक ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का संयोजन है। इसके उपयोग से मोबाइल फोन टेरिस्ट्रियल डिजिटल TV सिग्नल को पकड़ सकता है। मोबाइल पर FM रेडियो प्रसारण के लिए जिस तकनीक का प्रयोग होता है उस तकनीक से D2M तकनीक काफी मिलती जुलती है। फोन में लगा रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है। इसी तरह D2M तकनीक से फोन पर सीधे मल्टीमीडिया कंटेंट भेजा जा सकेगा। इस तकनीक का सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ता को होगा। वे इसका प्रयोग कर वीडियो ऑन डिमांड या OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे और इसके लिए उन्हें अपना मोबाइल इंटरनेट डेटा भी खर्च नहीं करना होगा। इसके अलावा ऐसे इलाके जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है या लिमिटेड पहुंच है, वहां तकनीक मल्टीमीडिया कंटेंट प्राप्त करने में उपभोक्ता की बहुत सहायता करेगी। दूरसंचार विभाग ने डायरेक्ट टू मोबाइल नामक इस तकनीक को धरातल पर उतारने के लिए दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम बैंड की व्यवहारता का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। विभाग के सेक्रेटरी राजा रमन ने कहा कि बैंड 526 और 582 मेगाहर्ट्ज का प्रयोग मोबाइल और ब्रॉडकास्ट सर्विसेज में समन्वय स्थापित करने के लिए रखा गया है। इस बैंड का अध्ययन करने के लिए विभाग ने कमेटी का गठन किया है। फिलहाल इस बैंड का प्रयोग सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा TV ट्रांसमीटर के लिए किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।